हेलो स्टूडेंट्स, कॉरपोरेट अकाउंटिंग की इस वीडियो सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम जो है यूनिट नंबर 1 पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 1 अकाउंटिंग ऑफ शेयर कैपिटल। तो अकाउंटिंग ऑफ शेयर कैपिटल को मैंने जो है वो प्रीवियस क्लास में अंडर और ओवर सब्सक्रिप्शन करा दिया था और आपको कॉल्स इन एरियर भी मैं करा चुका हूँ। अब मैं आज आपको इस वीडियो में फोर फीचर ऑफ शेयर्स जो है वो समझाने वाला हूँ कि शेयर्स का फोर फीचर कैसे किया जाता है। तो दोस्तों, ये वीडियो सीरीज़ बीकॉम बीए प्रोग्राम और ऑनर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। ये सारे के सारे वीडियो लेक्चर्स आप सभी को अध्ययन क्लासेस ऐप पर मिल जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारे पास जो टॉपिक है वो है हमारे पास फोर फीचर ऑफ शेयर्स। ठीक है, तो शेयर्स का फोर फीचर कैसे करते हैं, चलिए देखिए स्टार्ट करिए। मैं एक एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, उस एग्ज़ाम्पल के थ्रू आप सभी को जो है वो यहाँ पर कराऊँगा। तो एग्ज़ाम्पल क्या है, देखिए हम जो है वो एक कंपनी के द्वारा 10,000 शेयर्स इशू किए जाते हैं एट द रुपीज़ 10 ईच। ठीक है, और एप्लीकेशन पर जो है अमाउंट रखा जाता है 3 रुपये का, अलाउडमेंट पर अमाउंट रखा जाता है 4 रुपये का, और फाइनल कॉल पर अमाउंट रखा जाता है 3 रुपये का। अब यहाँ पर कुछ पर्सन्स हैं, जैसे लाइक मिस्टर एक्स पर्सन है, ठीक है, जिसके पास 100 शेयर्स हैं, उसने एप्लीकेशन मनी दे दी हमें, अलाउडमेंट मनी नहीं दिया और फाइनल मनी नहीं दिया। क्लियर है। एक हम दूसरा केस और बनाते हैं जो मिस्टर वाई का होगा। मिस्टर वाई के पास 200 शेयर्स हैं, जिन्होंने एप्लीकेशन मनी दी, अलाउटमेंट मनी दी और उसके बाद फाइनल कॉल मनी नहीं दी। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, इससे हमने ये वाली कॉल मांगी ही नहीं। ठीक है, हम ये वाला एक एग्जांपल ले रहे हैं ताकि काफ़ी अच्छा जो है वो हम टॉपिक कवर कर पाएँ। क्लियर स्टूडेंट्स। देखिए फोर फीचर का मतलब क्या होता है कि जब कोई बंदा जो शेयर खरीद रहा है, कोई भी पीपल्स, वो शेयर्स के पैसे पे ना कर पाए। जैसे सपोज़ दैट यहाँ मिस्टर एक्स का आप केस देख सकते हैं, उसने एप्लीकेशन मनी तो पे कर दिया लेकिन अलाउटमेंट मनी पे नहीं किया, तो उसके शेयर्स हम क्या करेंगे, जब्त करेंगे, यानी कि फोरफिट कर लेंगे। ठीक है, और आप मिस्टर वाई के देख सकते हैं, इसने फाइनल कॉल नहीं दी, तो इसके भी शेयर्स क्या किए जाएंगे, फोरफिट किए जाएंगे। मैं दो केस अलग अलग बना के चल रहा हूँ, एक केस मैं लेके चल रहा हूँ मिस्टर वाई के केस में और एक केस लेके चल रहा हूँ मैं मिस्टर एक्स के केस में। तो सबसे पहले मैं आपको मिस्टर वाई वाला केस बता रहा हूँ। क्लियर, देखिए जब हम जब्त करते हैं तो हमारी जो कैपिटल है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। कैपिटल अगर कम होती है तो शेयर कैपिटल जो है वो क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब किसके वजह से ये क्या फोर फीचर किया जा रहा है वो यहाँ पर लिखा जाएगा। अब शेयर फोर फीचर हमारे लिए फ़ायदा है, इसलिए हम उसको क्या कर रहे हैं, क्रेडिट कर रहे हैं। ठीक है, और टू शेयर जो कॉल उसने पे नहीं करी वो कॉल लिखी जाएंगी। शेयर मिस्टर वाई का देख रहे हैं हम पहले, तो शेयर अलाउटमेंट दे दी उसने, शेयर फर्स्ट कॉल नहीं दी, बस उसने शेयर फर्स्ट कॉल नहीं दी उसने। तो देखिए यहाँ पर हम लोग लिखते हैं कॉल्ड अप वाला अमाउंट, कॉल्ड अप। ठीक है, कि हमने उससे कितने पैसे मांगे, हमने उससे एप्लीकेशन भी मांगी, अलाउटमेंट भी मांगी और फर्स्ट कॉल भी मांगी और उसने केवल फाइनल कॉल नहीं दी, तो उसका मतलब है हमने उससे पूरे 10 रुपये मांगे और उसके शेयर कितने नंबर ऑफ शेयर्स, 200। तो हम यहाँ क्या करेंगे, 200 मल्टीप्लाई बाय कितने रुपये मांगे, पूरे 10 रुपये। तो पूरा 10 रुपये से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ जाएगा हमारा यहाँ पर, 2000 आ जाएगा। इसके बाद शेयर फर्स्ट कॉल का अमाउंट जो उसने नहीं दिया वो कितना था, 3 रुपये था। तो आप लिखेंगे यहाँ 200 × 3, यहाँ पर 2000 और यहाँ पर कितना आ गया, 600। बचा हुआ अमाउंट जो कितना बच रहा है, 1400, वो चला गया आपका किस में, शेयर फोर फीचर में। किस में चला गया, शेयर फोर फीचर में। आप उसके 1400 रुपये जो है वो अपने पास जब्त करके रख लोगे। अब इसके बाद आता है कि री इशू ऑफ शेयर्स भी किया जाता है, री इशू ऑफ शेयर्स। तो शेयर्स का री इशू हम कैसे करेंगे, देखिए अब उस कंपनी ने कह दिया कि जो अभी आपने फोरफिट करे थे उनको रीइशू करेंगे हम शेयर्स को, और रीइशू जो किया जाएगा एट 8 रुपीज़ पर शेयर और फुली पेड अप। अभी मैं इसका मतलब बताऊंगा, पेड अप का मतलब क्या हुआ।
ठीक है। तो एंट्री देखिए क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल, ठीक है, क्लियर। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, बैंक अकाउंट इसलिए डेबिट किया क्योंकि पैसा आएगा, रीइशू करेंगे हम शेयर को दोबारा, कितने रुपए में कट रहे हैं, 8 रुपए में कर रहे हैं, तो 200 × 8 तो यहाँ आ जाएगा, यानी कि 1600 रुपये। इसके बाद शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल में वो अमाउंट आता है जितने का आप पेडअप बोलते हैं, मतलब कितना आपने शेयर जो है वो पेडअप किया गया है, तो फुली पेडअप है, हाँ तो फुली पेडअप है, मतलब 10 का है पूरा शेयर तो 10 ही लेंगे, तो 200 × 10 इक्वल्स टू 2000। बचा हुआ अमाउंट शेयर फॉरफीचर में, क्योंकि लॉस हो रहा है, 2000 के शेयर हम 1600 में बेच रहे हैं तो लॉस हो रहा है, जाहिर सी बात है 10 का शेयर 8 में बेचा जा रहा है तो 400 का लॉस हो रहा है, यानी कि 200 × 2 का 400 का लॉस। अब हम क्या करेंगे, जो प्रॉफिट हुआ है एग्जैक्ट हमारा, उस प्रॉफिट को हम ट्रांसफ़र कर देंगे किसमें, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में, ठीक है। तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट को डेबिट करेंगे हम लोग, क्योंकि प्रॉफिट को कम किया जा रहा है, टू कैपिटल रिजर्व। ध्यान से देखिए, प्रॉफिट कितना हो रहा था शेयर फॉरफिट करते वक्त, 1400 रुपये का, लॉस कितना हो रहा है रीइशू करते वक्त, 400 रुपये का, तो 1400 − 400 इक्वल्स टू 1000 रुपये का बेनिफिट हुआ है, कुल मिलाकर नेट बेनिफिट 1000 रुपये का हुआ है, उसको हमने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दिया है, क्लियर। दूसरा केस देखिए आप, मिस्टर एक्स का, ये केस बहुत इंटरेस्टिंग केस है, ठीक है, और ऐसे केस एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा आते हैं ये वाले, ठीक है। मिस्टर एक्स के पास 100 शेयर थे, उनसे हमने अलाउट में एप्लीकेशन मांगी, उन्होंने दे दी, अलाउटमेंट मांगी, उन्होंने नहीं दी, हमने उनसे फाइनल कॉल मांगी ही नहीं, तो बताइए कॉल्ड अप अमाउंट जो अभी हम यहाँ पर लिखते थे वो कितना आएगा, कॉल्ड अप अमाउंट इस बार 3 + 4 इक्वल्स टू ओनली 7 कॉल्ड अप अमाउंट आएगा, ठीक है ना। तो देखिए करते हैं इसकी एंट्री भी नेक्स्ट पेज पर। तो मिस्टर एक्स के 200 शेयर थे और 7 रुपये कॉल्ड अप आ गया था उनका, तो एंट्री क्या होगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू शेयर फॉरफीचर, एंट्री तो सेम ही रहेगी, कौन सी कॉल नहीं दी उन्होंने जिसकी वजह से हम उनके शेयर फॉरफीट कर रहे हैं, मिस्टर एक्स के शेयर अलाउटमेंट के वजह से, और फर्स्ट कॉल तो फाइनल कॉल तो उनसे मांगी ही नहीं गई। अब बताओ उनके 100 शेयर थे, कॉल्ड अप अमाउंट यहाँ आता है तो उनसे कितने मांगे थे मैंने, 7 रुपये, है ना, एप्लीकेशन अलाउटमेंट, फाइनल कॉल तो मांगी ही नहीं, यानी 3 रुपये मांगी ही नहीं, तो कॉल्ड अप 7 रुपीज़ हो गए, यहाँ आ गए आपके 700 रुपये। अब अलाउटमेंट पे थे कितने, 4 रुपये, वो उसने नहीं दिए, तो यहाँ आ गए 400, बचे हुए 700 − 400 इक्वल टू 300 का बेनिफिट हो गया आपको। अब इन शेयर्स को रीइशू किया गया है, मान लीजिए क्वेश्चन में बोला गया रीइशूड एट 7 रुपीज़ पर शेयर, पर शेयर 9 रुपीज़ पेड अप। ध्यान से समझिएगा अब आप सभी, एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल, ये एंट्री होती है ना। तो कितने शेयर करने हैं, 100 रुपये, कितने का एक लेना है, 700 का लेना है, पेड अप कितना है इस बार, 9 रुपये, यही मैं देखना चाहता था स्टूडेंट्स को याद है या नहीं है। तो यहाँ शेयर कैपिटल में कितना आएगा बच्चे, 9 रुपये, तो 100 × 2 रुपये का क्या हो गया, लॉस, 9 रुपये का शेयर 7 में बेच रहे हो ना आप, तो 700, 200 और 900। अब मुझे बताओ नेट बेनिफिट कैसे निकालेंगे, एंट्री क्या होगी, एंट्री होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू कैपिटल रिजर्व, ठीक है। 300 का बेनिफिट हो रहा था ऊपर, याद हो आपको, 200 का लॉस हो रहा है, तो नेट बेनिफिट आपका कितने का है, ओनली 100 रुपीज़ जो है वो कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। सभी स्टूडेंट्स को बात समझ में आई, बिल्कुल आई होगी।
अच्छे तरीके से क्वेश्चन समझ में आया होगा शेयर फोर फीचर के कि किस तरीके से हमको करने हैं शेयर फोर फीचर को। अब शेयर फोर फीचर और री इशू की एक वीडियो और आएगी जिसमें मैं आपको कराऊंगा बेसिकली वहां पर प्रीमियम के साथ क्वेश्चन, और फिर इसके बाद एक वीडियो और आएगी। तीन वीडियो मैं लेकर आने वाला हूं टोटल कुल मिला के शेयर फोर फीचर की, ये एक हो गई, इसके बाद दो वीडियो और आएंगी। दूसरी अगली वीडियो में हम जो है वो करेंगे कि किस तरीके से शेयर को प्रीमियम पर फोरफिट करना है अगर प्रीमियम पे शेयर इशू किए गए हो तो, और फिर तीसरा आएगा उसमें मैं ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में आपको वर्किंग नोट बनाना सिखाऊंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम सभी मिलते हैं।